अब आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट है 4। फोर नहीं, 5। फोर तो का आपको दिया ही था। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट। पार्ट नंबर 5 इसमें देखो एक फंक्शन दिया है एफ एक्स एक्स क्यूब फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस का 6x² फिर प्लस 9x फिर प्लस में 15। ये फंक्शन तो सबसे पहले तो क्या करें, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। देखो तो एफ डैश एक्स निकाला, थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 9, थ्री इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3। इसके फैक्टर देखो अगर हो जाए तो इसके फैक्टर करें, थ्री इंटू एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स माइनस 3 ये हो गया एफ एक्स। अब इसकी साइन स्कीम देखते हैं तो उसके लिए नंबर लाइन बना दी। पहले लिख दिया 1 फिर लिख दिया 3 ठीक है। और एक्स में दोनों के कोफिशिएंट एक्स में प्लस हैं, इधर भी प्लस हैं इधर भी प्लस हैं, तो यहाँ लिखा प्लस फिर इधर माइनस फिर इधर प्लस, तो इसमें प्लस से माइनस गया तो इसमें तो मैक्सिमा हो रहा होगा, इसमें माइनस से प्लस गया तो इस पे ये ऐसे मिनिमा होगा यहाँ ठीक है। तो एट एक्स इक्वल टू 1 क्या है, लोकल मैक्सिमा। फिर एट एक्स इक्वल टू 3 लोकल मिनिमा। अब निकालते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू वो क्या हो जाएगी एफ वन, तो 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस में 15, तो कितने हो गए 25 माइनस 6 19 ऐसे लोकल मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी एफ थ्री। एफ थ्री का मतलब 3 का क्यूब 27 माइनस 6 इंटू 9 प्लस में 9 इंटू 3 प्लस में 15। इसको पूरा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा 27 माइनस 54 फिर प्लस 27 प्लस 15 है तो कैंसिल ही हो गया ना, 27 54 माइनस 54 15 आंसर आ गया, यानी ये हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू। समझ में आ गया भाई सभी को पांचवा पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट पे। इसमें दिखा है जी एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन दिया है एक्स वाई टू प्लस टू वाई एक्स और एक्स लिखा है 0 से 1 यानी पॉजिटिव नंबर में ही हमें बताना है आंसर। देखो जी डैश एक्स ये क्या बनेगा, जी डैश एक्स
इसका डेरिवेटिव किया तो 1 बाय 2, फिर माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में ठीक है, x बाय टू का हो गया 1 बाय 2, फिर 2 बाय x का हो गया माइनस का 2 अपॉन x स्क्वायर। अब इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो देखो ऐसे बन गए x प्लस रूट 2 इनटू में x माइनस रूट 2 और डिवाइड में 2 इनटू x माइनस 0 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिया। अब इसकी साइन स्कीम देख लेते हैं, देखो एक तो आया माइनस का रूट 2, फिर आएगा जीरो, फिर आएगा रूट, तो एक्स प्लस का है हर जगह तो इसलिए पॉजिटिव, इधर माइनस। अब जीरो पे साइन चेंज नहीं हो, एलसीएम रॉन्ग है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 आएगा ना, यहाँ गड़बड़ उसके कारण फिर यहाँ भी गड़बड़ होगी और यहाँ भी गड़बड़। देखो यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ 4 है तो यहाँ प्लस 2, फिर यहाँ माइनस 2, यहाँ आ गया माइनस 2, फिर यहाँ प्लस 2। अब सही है ना, अब देखो प्लस फिर माइनस फिर माइनस फिर यहाँ पर वापस प्लस, तो इस पे तो गया प्लस से माइनस, तो इस पे तो क्या हुआ ऐसे जाएगा प्लस से माइनस में, तो मैक्सिमम इस पे कुछ होगा नहीं क्योंकि तो इस पे तो साइन चेंज नहीं हुआ, इस पे माइनस से प्लस गया तो इस पे मिनिमम, तो एट एक्स इक्वल टू माइनस 2 क्या है लोकल मिनिमम, सॉरी लोकल मैक्सिमम है ना माइनस 2, लोकल मैक्सिमम ठीक है, फिर एट एक्स इक्वल टू प्लस 2 पे लोकल मिनिमा। अब निकालते हैं वही लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो वो कितनी होगी एफ माइनस 2 हो जाएगी, यानी फंक्शन में माइनस 2 रख दें हम, तो क्या बन गया माइनस 2 अपॉन 2 प्लस में 2 अपॉन में माइनस, आंसर आ गया माइनस। अब निकालते हैं लोकल लोकल फिर मिनिमम वैल्यू, ठीक है ये हो जाता है हमारा एफ, पूरे फंक्शन में एक्स से 2 रख दो, 2 बाय 2 प्लस में 2 बाय, ये कितना हो गया 1 प्लस 1 यानी 2। अब देखो यहाँ लिखा था x ग्रेटर देन 0, ये लिखा हुआ था ना, तो माइनस वाला हम काउंट नहीं करेंगे, यानी ये जो है ना ये जो निकाला हुआ है ये लोकल मैक्सिमम, ये किस पे आई माइनस 2, तो ये काउंट नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब इसको अगर मैं मिटा देता हूँ, एट एक्स इक्वल टू 2, ओ क्या कर दिया, किसको मिटाना था, हाँ सही लिखा था ना, इसको मिटाए थे, क्यों क्योंकि ये आउट ऑफ डोमेन है, यहाँ ये लिखो ये जो है ये वाला ये नॉट कंसिडर ठीक है, बिकॉज एक्स क्या था एक्स ग्रेटर देन 0, इसलिए ओनली एंड ओनली यही काउंट होगा, हम लिखेंगे कि एट एक्स इक्वल टू 2 लोकल मिनिमा, और वो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है वो हमने यहाँ निकाली। बोलो किसी कोई प्रॉब्लम इसमें,
समझ में आ गया सभी को? हाँ, अगर ये x ग्रेटर देन जीरो नहीं होता ना, यहाँ ये नहीं लिखा होता, तो फिर जो हमने पहले निकाला था वो भी सही होता, यानी मिनिमा भी है और मैक्सिमा भी है, लेकिन अब केवल और केवल मिनिमा ही है, यही है वो सम। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे चले हम। एनडी वाले कितने स्टूडेंट आज? आज उन स्ट्रेंथ बहुत ही कम है, हाथ खड़े करना। कपिल, अंकित, दोई, भाविंदर भी है लेकिन हाथ खड़ा नहीं कर रहा, सो गया लगता। ओके, और एंड सभी स्टूडेंट्स को देखो, ये इन्फॉर्म करने को कहा गया कि आप लोग अपनी जो फीस है ना मई तक की, वो जमा कराओ, वरना फिर क्लास नहीं ले पाओगे आप कंटिन्यू। क्योंकि तो हम भी फिर तुम्हें वेटिंग रूम ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि आगे से यही बोल रहे हैं वो, जिनकी फीस नहीं होगी उनको क्लास में एंट्री मत देना, फिर मैं तो मजबूर हूँ, क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी भी। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट सबने इसका? ओके, अब आते हैं देखो नेक्स्ट पे, कौन सा पार्ट आ गया? सिक्स्थ पार्ट, ये क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है कि जी एक्स है, सिक्स नहीं कौन सा था, सेवन था गया ना अब तो। सेवन जी एक्स इक्वल टू वन के अपॉन में एक्स का स्क्वायर प्लस में ये जी एक्स। अब देखिए, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है y इक्वल टू वन अपॉन x, ऐसा लिखा है, तो मैं कहूं y मैक्सिमम कब होगा, when x क्या हो, x मिनिमम हो, जब ये मिनिमम होगा, मिनिमम यानी तो ये अपने आप ही मैक्सिमम हो गया, और जब ये x ये मैक्सिमम होगा तो y अपने आप ही क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ये तो आप जानते हो ना, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखो अब कुछ चीजें ऐसी है जो आपके आईक्यू पे बेस करती है, और आईक्यू आपका सबका अच्छा है, कैसे भाई, मुझसे पढ़ रहे हो तो आईक्यू तो अच्छा है ही। देखो ऐसे हो, अब कुछ चीजें हम ऐसे देखो यूज करेंगे, कहीं ऐसे लिखा रूट के अंदर कोई फंक्शन लिख दिया, कहा कि इस पूरे की मैक्सिमम या मिनिमम बताओ पूरे की, तो जब अंदर मैक्सिमम आएगी तभी तो पूरे की मैक्सिमम आएगी, सेम जब इस अंदर वाले की मिनिमम होगी तब इस पूरे की मिनिमम होगी। तो जब कभी भी ऐसा आएगा रूट के अंदर कोई फंक्शन, उसकी कहेंगे मैक्सिमम मिनिमम इस पूरे की निकालो, तो हम उस अंदर वाले की निकालेंगे मैक्सिमम या मिनिमम, और फिर उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। सेम ऐसे ही कहीं पे आए y इक्वल टू जैसे वन अपॉन जी एक्स फंक्शन, कहा इसकी मैक्सिमम निकालो, तो हम क्या करेंगे इसकी मिनिमम निकाल देंगे, इसकी मिनिमम निकालेंगे तो वो इसकी अपने आप ही क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। सेम इसकी अगर मैक्सिमम होगी तो वो इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक चीजें हैं, ये तो आपको पता है सबको। तो चलिए
जी एक्स। अब इसमें यहां पर यही है, लेट मैंने एक और फंक्शन एज्यूम कर लिया, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू। देखो अभी ये सिंपल सा है ना, एक्स स्क्वेयर प्लस टू। अब मैं निकालूंगा इसकी, इस एफ एक्स की मैक्सिमम मिनिमम निकालूंगा, तो जो एफ एक्स की मैक्सिमम होगी वो जी एक्स की मिनिमम हो जाएगी, और जो एफ एक्स की मिनिमम होगी वो जी एक्स की मैक्सिमम हो जाएगी। तो देखो हमने तो वही काम किया, एफ डैश एक्स निकाला, एक्स स्क्वेयर का टू एक्स इस टू का जीरो, यानी ये तो आ गया टू एक्स। अब इसकी साइन स्कीम मैं देखूं तो यहाँ पे तो हुआ एक्स इक्वल टू जीरो, इधर प्लस जीरो से आगे, जीरो से इधर माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब जीरो पे साइन कैसा हुआ, माइनस से प्लस, तो यानी जीरो पे क्या है लोकल मैक्सिमम, कि एट एक्स इक्वल टू जीरो लोकल मैक्सिमम किसका, एफ एक्स का लोकल मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स, है ना। तो एफ एक्स का तो लोकल मैक्सिमम है, तो जी एक्स का क्या होगा, जी एक्स का लोकल मिनिमम हो जाएगा, है ना। तो यहां लिखा मैंने लोकल लिखा लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स एज क्या हो जाएगी, जी जीरो हो जाएगी, उसमें एक्स जीरो रख दिया, तो वन अपॉन टू यही आंसर है, यानी इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू है और वो क्या है, वन बाय टू है। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या, माइनस से प्लस, हाँ सही कह रहा भाई। देखो यहाँ पर ये आएगा लोकल, क्योंकि जब माइनस से प्लस जाता है ना तो ऐसा ग्राफ बनेगा ये वाला, ऐसा ग्राफ बनेगा, मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ माइनस इधर प्लस, यानी लोकल मिनिमम होगी, इसकी तो लोकल मिनिमम होगी और उसकी क्या हो जाएगी, लोकल मैक्सिमम हो जाएगी, लोकल मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स। समझ में आ गया भाई क्वेश्चन। अब देखो अगर आप कहोगे सर क्या इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते क्या हम, डायरेक्ट कैसे, सिंपल जी एक्स का डेरिवेटिव किया जी डैश एक्स, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि मैं ऐसे क्यों करूं, मैं तो वैसे करूंगा ना जैसे आप पहले करा रहे थे, तो मैं बार बार अलग अलग का मेथड थोड़ी पढ़ूंगा, मैं तो एक ही पढ़ लूं नंबर लाइन के बाद का। अच्छा नंबर लाइन के बाद का, देखो जीरो पे तो माइनस से प्लस जा रहा है ना, माइनस से प्लस जा रहा है तो क्या होता है, लोकल मिनिमा होता है, तो जीरो पे लोकल मिनिमा है, लेकिन किसका, इस एफ एक्स का, क्योंकि ये साइन स्कीम तो किसकी है, एफ डैश एक्स की है, तो लोकल मिनिमम तो कौन हुआ, एफ एक्स हुआ, है ना। और जब देखो जब एफ एक्स ये ऐसे ही तो हो गया जी एक्स इक्वल टू वन अपॉन एफ एक्स, जब एफ एक्स मिनिमम होगा तो ये जी एक्स क्या हो जाएगा, अपने आप ही मैक्सिमम हो जाएगा। तो वही बात लिखा है, जीरो पे लोकल मिनिमम है एफ एक्स की, लेकिन जी एक्स की क्या होगी, जी एक्स की वो लोकल मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। हाँ मैं ये बताया था किसी के दिमाग में ऐसा आता हो कि नहीं हम तो वैसे ही करेंगे, तो वैसे भी देखो ऐसे सोल्व किया जा सकता है जी डैश एक्स। अब आपको तो थोड़ा सा डेरिवेटिव में दिक्कत आएगी, कैसे, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर प्लस टू का टू एक्स, ये डेरिवेटिव आएगा माइनस का टू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। अब फिर वो इसकी साइन स्कीम देखेंगे तो नीचे तो पॉजिटिव है, ये रहा ओनली एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो, अब जीरो से आगे एक्स का कोफिशियंट माइनस का है ना, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अब देखो जीरो पे प्लस से माइनस जा रहा है, प्लस से माइनस जा रहा है यानी क्या हुआ, मैक्सिमम, तो यानी जीरो पे कौन है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, और वो कितनी आएगी, वो उसमें एक्स की जगह जीरो रख दो, देखो जीरो रखेंगे तो वन अपॉन जीरो प्लस टू, तो वन बाय टू। अगर आप वैसे सोल्व करना चाहते हो तो ऐसे सोल्व होगा, देखो इस पे भी मैक्सिमम ही आ रहा है और वहां पर भी मैक्सिमम ही आया लास्ट में,
लेकिन ये चीज भी सिखानी जरूरी है, कौन सी वाली, ये जो मैंने जिस मेथड से सोल्व किया, क्योंकि ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आगे जो थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होंगे ना वो ऐसे सोल्व करने से तो हो जाएंगे आराम से, ऐसे सोल्व करने से उनमें बहुत ही प्रॉब्लम आएगी, काफी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने आपको ये मेथड बताया। हमारे पास आगे जाके ऐसे रूट में भी आएंगे कुछ फंक्शन, हम क्या करेंगे उस रूट के अंदर जो होगा उसकी मैक्सिमम निकालेंगे, जैसे सपोज इसके अंदर फंक्शन है fx, इसकी मैक्सिमम आई 4, तो इस पूरे की क्या हो जाएगी मैक्सिमम, रूट 4 यानी 2। किसी को कोई डाउट बच्चों इसमें, बोलो। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा सभी को। फोन ही हैंग हो गया मेरा। अब आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि ये प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, यानी इन फंक्शन के ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू है ना ही कोई मिनिमम वैल्यू है, जो क्वेश्चन नंबर 4 मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो अगर कोई इसको भी नोट करना चाहता है तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है अभी, क्योंकि वरना मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। ले लिया होगा, अब आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। एफ एक्स है e की पावर x, मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला f डैश x, ये क्या है, ये भी यही आएगा e की पावर x का मतलब 2.71 की पावर समथिंग। तो देखो ये तो हमेशा ही जीरो से बड़ा आएगा, कि e की पावर x हमेशा क्या होता है, जीरो से बड़ा, तो f डैश x भी हमेशा जीरो से बड़ा, यानी f डैश x का कोई साइन तो बदलेगा ही नहीं, एफ डैश एक्स पहले भी प्लस का था और अब भी प्लस का है, कोई चेंजेस थोड़ी आए इसमें, नहीं आए ना, पहले भी जीरो से बड़ा था अब भी जीरो से बड़ा, यानी साइन चेंज हो ही नहीं रहा, जब साइन चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम तो कब होंगे, जब एफ डैश एक्स या तो प्लस से माइनस में जाए या फिर माइनस से प्लस में जाए, है ना। सो देयर इज नो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब आते हैं सेम सेकंड पे। देखो जब भी कभी एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं हो रहा, वो पहले प्लस था बाद में ही प्लस, पहले माइनस था बाद में ही माइनस, तो इसका मतलब उसका मैक्सिमम मिनिमम नहीं है। अब सेम जी एक्स सेकेंड फंक्शन है, देखो जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव निकाला जी डैश एक्स, लॉग एक्स का क्या आएगा 1/x, ठीक है। अब लेकिन log x डिफाइन ही तब होता है जब x 0 से बड़ा हो। अब आप देखो कि when x greater than 0 then 1/x जो होगा वो भी 0 से बड़ा होगा, 1/x का मतलब g dash x, g dash x भी 0 से बड़ा हुआ ना, g dash x, g dash x भी अगर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब इसका भी कोई साइन चेंज तो हुआ ही नहीं, ये तो हमेशा प्लस ही है, ना तो प्लस से माइनस में तो गया ही ना ही माइनस से प्लस में आया, तो इसका मतलब नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम, है ना। तो यहाँ पर भी यही लिखा मैंने, नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम। फिर आते हैं थर्ड पार्ट, एच एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एच डैश एक्स निकाला इससे मैंने, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट यूज होगा, आप इसके एच डैश एक्स इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर तो होंगे ही नहीं, इसका फैक्टर नहीं होंगे तो आप इसका डिस्क्रिमिनेट से
क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे जाओगे तो डी निकाला मैंने तो टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री इंटू वन, चार माइनस बारह माइनस का आठ, यानी डी क्या आया लेस देन जीरो, और ए कितना है, ए इसमें थ्री, ए ग्रेटर देन जीरो, तो यानी ए जीरो से बड़ा, डी लेस देन जीरो, इसका जो ग्राफ होगा ना वो ऐसे बनेगा, ऐसे इस टाइप से, यानी ये भी हमेशा प्लस है कि थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी है, हमेशा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ये हमेशा जीरो से बड़ी है, इसका मतलब एच डैश एक्स क्या हो गया, जीरो से बड़ा हो गया, एच डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है ना, इसको लीजिए एच डैश एक्स। अब ये भी जीरो से बड़ा, यानी साइन चेंज तो हो ही नहीं रहा, ना तो प्लस से माइनस गया ना माइनस से प्लस गया, तो इसमें भी लिखेंगे नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम, ठीक है। अब बस इतने ही थे, तीन ही थे, कौन सा थर्ड, शिखा कौन सा बोल रही, थर्ड बोल रही क्या, थर्ड रिपीट करें या पूरा का पूरा क्वेश्चन, चलो थर्ड रिपीट करते। देखिए हमें फंक्शन दिया था ये एच एक्स, ये इसका डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, अब फिर हम क्या देखते थे कि इसके फैक्टर हो जाएं ताकि हम इसके नंबर लाइन पे देख सके प्लस माइनस कैसे हैं इसके, तो मैंने इसके फैक्टर किए तो फैक्टर तो मिले नहीं मेरे, अब जब फैक्टर नहीं मिले तो फिर मैंने डिस्क्रिमिनेट मैथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मतलब डिस्क्रिमिनेट निकाला पहले, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो डी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो पॉजिटिव है, डी माइनस का ए प्लस का, तो जो वो वैल्यू होती है यानी इसका इसका जो ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा ना तो वो ऐसे बनेगा, इस टाइप का ग्राफ, ये जो ग्राफ होता है इसका मतलब है कि वैल्यू हमेशा क्या है, पॉजिटिव, हमेशा इस एक्सप्रेशन की, कौन सा एक्सप्रेशन, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये एक्सप्रेशन ऑलवेज हमेशा ही क्या देगा, जीरो से बड़ी वैल्यू देगा, जीरो से बड़ी वैल्यू देगा, इस कारण से ये जो एच डैश एक्स है ये हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा, एच डैश एक्स हमेशा जीरो से बड़ा हुआ, यानी एच डैश एक्स का साइन चेंज तो हुआ ही नहीं, प्लस से माइनस में नहीं गया ना ही माइनस से प्लस में गया, पहले भी प्लस था अब भी प्लस है आगे भी प्लस है हमें भी, और हमेशा प्लस ही रहेगा एच डैश एक्स इस क्वेश्चन में है ना, तो इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ, साइन चेंज नहीं हुआ तो फिर ना तो मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा, क्लियर। या एक दूसरे तरीके से समझाऊं कि मैक्सिमम मिनिमम तब आता है जब जहां पे डेरिवेटिव जीरो होता है, ये आपको बताया था ना टेंजेंट पैरेलल होती है उस पॉइंट पे, यानी डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, तो ये डेरिवेटिव तो जीरो होगा ही नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो आप कि ये जो डेरिवेटिव है ना ये वाला, ये तो जीरो होगा ही नहीं कभी, क्योंकि इसके रूट्स इमेजिनरी है, कि इमेजिनरी रूट्स होने के कारण भी हम ये कह सकते हैं कि इसका कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, ऐसे भी आंसर लिख सकते हो कि मैक्सिमम मिनिमम पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इन पे हमेशा ही एफ डैश एक्स हमेशा जीरो होता है, क्यों, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल होती है इन पॉइंटों पे एक्स एक्सिस के, इसलिए स्लोप जीरो होगा, स्लोप जीरो होने का मतलब डेरिवेटिव जीरो होना, डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होना, लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होंगे ही नहीं, इमेजिनरी है, इसलिए डेरिवेटिव जीरो नहीं हो रहा, डेरिवेटिव जीरो नहीं हो रहा इसलिए ना तो मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है। अब क्लियर है सभी को, और किसी को डाउट हो बच्चों, और सभी लोग अपने घर पे ये कहें कि फीस रिपीट वो फीस सबमिट कराएं जल्दी, ठीक है, जिनकी सबमिट है वो ठीक है, जिनकी नहीं है वो अपने सभी लोग अपने फीस सबमिट कराएं, तो आज के लिए स्कूल जहां तक लग रहा है
1 जुलाई से ओपन हो जाएंगे और मंडे से शायद कुछ बच्चे आने भी लग जाएं, शायद पक्का नहीं पता भी मेरे को, पर शायद जहां तक 1 जुलाई से खुल जाएंगे स्कूल। सभी लोग अपने फीस के लिए बोलना अपने पेरेंट्स को, 21 तारीख से पहले पहले कोशिश करें फीस जमा करा दें मई तक। चलो ठीक है, अब कल मिलेंगे।